केंदा हंस के खान मलेरी, खाना मत मारी गई तेरी, राती करके गुरु दलेरी, सानू गया ललकार दा, टिड्डी दल नू पाप लेखा, सतगुर निकल गया, निकल गया ललकार मार दा। तेरा सीस गुरां दा जापे, हो जुजार दिना तक आपे, करजू होर झगड़े से आपे लग जू पता दरेश दा। खाना तेनु बैन भुलेखे सतगुर दे, कलगी तोड़ा तक दशमेश दा। अद्धी राती उस ललकारिया, ओ जे गुरु गोबिंद सिंह जारिया, उच्ची सुर विच उस उचारिया ना, लैके करतार दा, टिड्डी दल नू पाप लेखा, सतगुर निकल गया, निकल गया ललकारे मार दा। कलगी सिख दे सिर सजा गया, सानू वेच भुलेखे पा गया, नीतिवान आप दा ला गया है सिख उस दे फेस दा। खाना तेनु बैन भुलेखे सतगुर दे, कलगी तोड़ा तक दशमेश दा। उसने मूरख फौज बनाती, तुर गया आप ठोक के छाती, उसने मूरख फौज बनाती, तुर गया आप ठोक के छाती, जरा वेखो मार के चाती, सिर है सिख सरदार दा, टिड्डी दल नू पाप लेखा, सतगुर निकल गया, निकल गया ललकारे मार दा। नीतिवान निकलिया पूरा, सानू कर गया भेद सदूरा, साडा रह गया कम अधूरा, रह गया दुख हमेश दा। खाना तेनू पैन भुलेखे सतगुर दे, कलगी तोड़ा तक दशमेश दा। दिल्ली सीस न लेके जामी, बिपता होर न सिर उठावी, दिल्ली सीस न लेके जामी, बिपता सिर न होर उठावी, गुरनी किसे तो हार दा, टिड्डी दल नू पाप लेखा, सतगुर निकल गया, निकल गया ललकारे मार दा। मुट्ठी भर सिंघां दा जत्था, 10 लाख नाल लगा गया मत्था, अनक वंगार गया सिर लत्था, नहीं कोई सानी हेस दा। खाना तेनू पैन भुलेखे सतगुर दे, कलगी तोड़ा तक दशमेश दा, कलगी तोड़ा तक दशमेश दा, कलगी तोड़ा तक दशमेश दा। ओ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेला गया दा दिए जुदाई दा, असाज मुड़ के आना नहीं, तेनू दसीए कि वे की होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं, पुत्र विछड़िया तुसी भी चले, निर्दया दे हाथ चढ़ चले, मैं भी तोड़े मगरे आवा, बस हुण मैं भी सच खंड जावा। वेला आ गया है दादी तो जुदाई दा, असाज मुड़ के आना नहीं, तेनू दसीए कि वे की होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं, देखांगी ना फेरे रूहाने आरियां, रज के निहार ला मैं सुरता प्यारियां, प्यारे प्यारे सिरा उते कलगी सजा दिया, तोरण तो पहला तुहानू लाड़ा बना दिया, लाड़ा बना दिया। वेला आ गया है दादी जुदाई दा, असाज मुड़ के आना नहीं, तेनू दसीए कि वे की होना है, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं, तेरी अखियां नू
दादी ए साडे लई क्यों होर नी डाले, तेरी सिखिया ते उतरे तेरे लाले, करके सिरा दी पेड़ा रब्बी ते आन करिए, दादे पिता दाना रोशन जहान करिए, रोशन जहान करिए। वेला आ गया है दादी ए जुदाई दा, असाज मुड़ के आना नहीं, तेनू दसनी है कि वे की होना है, तेरी अखिया नू असी रुलाना नहीं, तेरी अखिया नू असी रुलाना नहीं, तेरी अखिया नू असी रुलाना नहीं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की। ओतिया नू सीने नाल लाके कोट के मुख चुप कर दी, हीरे आवे सुन लव मेरी सिखे आए अज जांदी वार दी, हीरे आवे सुन लव मेरी सिखे आए अज जांदी वार दी, वार दे उतर मद लई जिंदड़ी मेरे लाल पोलिया, ओतिया नू आग दिया माता गुजरी सिद्ध कोन डोलिया, ओतिया नू आग दिया माता गुजरी सिद्ध कोन डोलिया। बड़ा ही तानू जाल मंडरों गे जरा भी न डरियो, चुक के भी तुसी सूबे सरहंद नू ना सलाम करियो, चुक के भी तुसी सूबे सरहंद नू ना सलाम करियो, सत नाम वाहे गुरु तुसी अपने मुख विच बोलियो, ओतिया नू आग दिया माता गुजरी सिद्ध कोन डोलियो, ओतिया नू आग दिया माता गुजरी सिद्ध कोन डोलियो। जाप दी नाज मैनू कह रही रियो मेरा मत्था ठन के, शेरा वांगू खड़े हो कचहरी विच भी तुसी एक तन के, शेरा वांगू खड़े हो कचहरी विच भी तुसी एक तन के, सच्चा सच्चा खून देश कौम वास्ते धरती ते डोलियो, ओतिया नू आग दिया माता गुजरी सिद्ध कोन डोलियो, ओतिया नू आग दिया माता गुजरी सिद्ध कोन डोलियो। वार वार देवा जो तहानू सिखिया मन चुप लायो ना, पापी थानू लाल चब तेरे देन गे लाल चाचे आयो ना, पापी थानू लाल चब तेरे देन गे लाल चाचे आयो ना। जाल माजे जाल बेच जायो फसना पुत्र होवे मेरे हो, ओतिया नू आख दिया माता गुजरी सिद्ध कोन हारियो, ओतिया नू आख दिया माता गुजरी सिद्ध कोन हारियो। वकरी दुनिया दे विच मरनी मार के वखा दियो, चाने अते तारे आंदे वांग सिक्की दी शान चमका दियो, चाने अते तारे आंदे वांग सिक्की दी शान चमका दियो। दादे अते पिता वाले राह चल के तुसी जिंद वारियो, ओतिया नू आख दिया माता गुजरी सिद्ध कोन हारियो, ओतिया नू आख दिया माता गुजरी सिद्ध कोन हारियो, ओतिया नू आख दिया माता गुजरी सिद्ध कोन हारियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओतिया नू आख दी है माता गुजरी सिद्ध कोन हारियो, इस कवीशरी नू सांझी करन दा एक मकसद ए भी है कि जिस तरह माता गुजरी जी ने अपने पोतियां नू तैयार किया कि असी अपने पुत्रां नू अपने भैणां भरावां नू इस तरह तैयार कर रहे हाँ जां कर पा रहे हाँ कि नहीं, जे कर रहे हाँ तो शाबाशी है साडे लई, जे नहीं कर रहे तो जरूर सोचिए कि असी क्यों नहीं कर पा रहे, सतगुरु जी की कृपा दे पात्र बन सकीए। बेनती साण की सारा जथिया कान लया तन झाड़, दोए पोड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेठ, जो दार रहे सो उबरे, नानक अजब डेठ।
दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेठ। जो दार रहे सो उबरे, नानक अजब डेठ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग शब्द गुरु धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर हफ्तावारी इन गुरमत समागमां विच चौथे दिन दे दीवाना विच हाजरियां भर रहे अत सत्कारयोग सत्संगी जनों, सतगुरां जी दी अपार बख्शिश किरपा रहमत दे सदका असीं सारे ही रल के गुरु दरबार अंदर सज के बैठे हाँ। अते हर रोज की तरह साहिबजादियां दे कलगीधर पातशाह जी दे माता गुजर कौर दे अते उन्हां दे समुचे परिवार दे इतिहास नूं हर रोज पड़ा दर पड़ा सांझा करन दा यतन कर रहे हां। तुसी सारे ही सफरे शहादत दे काफले दे नाल हर रोज गुरु दरबार विच हाजरियां भर के अपनियां मन बिरतियां नूं इतिहास दे उन्हां पन्नियां तक लिजाण दा यतन करदे हो। ये जिहड़े दिन साढ़े इतिहास विच चल रहे ने ये वाकई बड़े महत्वपूर्ण ने। मेरे तो पहला तुसी बच्चियां दे पासों कवितावां दी सांझ बनाई, बच्चियां ने साहिबजादियां दे परथाए कवितावां आप सरबत संगत नाल सांझियां कीतियां। उन्हां तो बाद सत्कारयोग वीर जी होरां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे उस चमकौर दी गढ़ी दे दृश्य नूं अते जदों सतगुरु कलगीधर पातशाह उस चमकौर दी गढ़ी तों बाहर माछीवाड़े दे जंगल तक अपना सफर तय करदे ने उस सारे सफर नूं बड़े भावपूर्त शब्दां दे विच बयान करन दा यतन कीता है। बहुत सारियां कवितावां कलगीधर पातशाह जी दे इस समुचे बिरतांत दे नाल तुहानूं पढ़न अते सुनन दे विच मिल जाणगियां। अज जिस दिन नूं मुखातब हो के असीं सारे ही सतगुरु जी दे दरबार अंदर बैठे हाँ, अज दिन है साध संगत नौ पोह दा। जिहड़ा मैं पावन श्लोक आप जी दे नाल सांझा कीता है ये पावन श्लोक सिख धर्म दे बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपने मुखार बिंतों उचारण कीता है अते माझ की वार दे अंदर ये श्लोक दर्ज है। बड़ी कीमती गल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज इस पावन श्लोक विच साडे नाल सांझी करदे ने। पातशाह जी ने एक उदाहरण वरती, महाराज कहिंदे जां पक्का तां कटिया। मैं इस करके इस श्लोक की सांझ आप सरबत संगत नाल पाई है
क्योंकि अज दे साडे इस विषय नाल इस श्लोक का बड़ा गहरा संबंध है। असी सारे ही पिंडां नाल संबंधित खेतीबाड़ी के किते नाल संबंधित बैठे हाँ। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज एक उदाहरण वरतते ने, पातशाह कहिंदे जां पक्का तां कटिया। जदों कणक पक जाती है तो किसान की करता है, उस कणक नूं कट लैंदा है, उहदे जिहड़े सिट्टे ने उपरों उपरों कट लए जांदे ने। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज इस समुचे बिरतांत नूं बड़े गौह नाल बड़ी रीझ नाल तकदे ने। उस सारे बिरतांत विचों एक मनुखा जीवन की इग्जाम्पल साढ़े सामने सैट करते हैं भी मनुख का जीवन किहो जिहा होना चाहिए। महाराज कहिंदे ने किसान अपनी फसल नूं कटदा है जां पक्का, जदों पक जाती है तां कटिया। रही सो पल्लर वाड़, उपरों सिट्टे कट लए जाते ने, जिहड़ा बाकी का फोक है, जिहड़ा बाकी का नाड़ है, जिहड़ियां कणक दियां बाकी दियां नालियां हुंदियां ने वह खेत विच उदां ही छड्ड दित्तियां जांदियां ने। पातशाह कहिंदे ने साण किसारां चथिया कण लिया तन झाड़। पुराने समय दे विच की हुंदा जी, अजकल तो सारा ही मशीनी युग है, अजकल बहुता जिहड़ा काम है मशीनां दे नाल कीता जांदा है। पुराने समय में इदां नहीं सी, सिट्टे कढ लए जांदे सन ते उहनां दा इक बड़ा वड्डा बोझ लाया जांदा सी। अज तो थोड़ा समा पहलां दीआं इह गल्लां ने, उहनां सारे सिट्टियां नूं इक थां ते इकट्ठा कर लिया जांदा सी, उहदे उपर फिर बलदां नूं गाया जांदा सी। जिहड़े दाणे सन थले रहि जांदे सन ते जिहड़ा उपरला फोक सी उहनूं सुट दित्ता जांदा सी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे ने साण किसारां चथिया कण लिया तन झाड़, ते उहदे विचों जिहड़े दाणे ने उहनां नूं कढ लिया जांदा है। दाने कढ़ण तो बाद फोक बाकी सुट दिता जाता है, उस तो बाद उन्हां दाणियां दा आटा बनाउणा है। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज इस समुचे बिरतांत नूं गौर नाल तकदे ने ते अगे लिखदे ने, कहिंदे दोए पुड़ चक्की जोड़ कै पीसण आए बहेठ। हुण चक्की है, उहदे दो पुड़ हुंदे ने, उहनां दे विच दाणियां नूं पीसिया जाता है, विचकार उहदे दाणे पाए जाते हैं, उन्हों घुमाया जाता है। अजकल तो चक्कियां आ गई जिहड़ियां बिजली दे नाल चलदियां ने, पुराने समय अंदर इदा नहीं सी, घर विच मातावां खुद चक्की चला के आटा दालां आप तैयार करदियां सन। महाराज कहिंदे ने दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेठ, जो दार रहे सोभर है। जिहड़े दाने चक्की दे दोवां पुड़ां दे विच आ गए वह पीसे गए ते उहनां दा आटा बन गया। महाराज अगे कहिंदे ने, कहिंदे पर इहनां दे विच जिहड़े दाने चक्की दे विचकार पए होए अपने धुरे दे नाल जुड़े रहे वह शब्द बच गए। जिहड़े ते चक्की दे दोवां पुड़ां दे विच दाने आ गए वह पीसे गए, पर जिहड़े दाने चक्की दे पुड़ दे विचकार अपने धुरे दे नाल जुड़े रहे वह बच गए। दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बहेठ, जो दार रहे सो उभरे, वह बच गए। नानक अजब डेठ, हे दुनिया के लोगो इस कौतक नूं वेखो, जे तुसी भी बचना है तो तुहानू अपने धुरे दे नाल जुड़ना पएगा। यह है इस समुची उदाहरण का तत् ते सार। जे बंदे ने भी दुनिया के विच बचना है तो उन्हूं अपने धुरे दे नाल जुड़ना पएगा। साडा धुरा की है? धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, ये साडा धुरा है। ताइयों सतगुरु ने आख्या सी ना, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। वह बाणी जीवन दे विचों चिंतावां खत्म कर दिंदी है, जीवन विचों चिंतावां मुक जांदियां ने। ते अज जिन्हां दे इतिहास नूं श्रवण करन वास्ते असी सारे ही गुरु दरबार अंदर सज के बैठे हाँ, उन्हां सचमुच ही धुरे दे नाल जुड़ के विखाया, सचमुच ही वह अपने एक धुरे दे नाल जुड़े रहे ने। ताई अज उन्हां नूं असीं याद करदे हां ना। अज साध संगत दिन है नौ पोह दा। कल दे दिन विच असीं सांझा कीता सी चमकौर दी गढ़ी दे विच, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज
एक दुनिया के सामने अनोखी जंग लड़ते ने। पांच पांच सिंघां दा जथा चमकौर की गढ़ी के विचों बाहर निकलता है तो शहीदी का जाम पी जाता है। पांच पांच सिंघां दे जथे चमकौर की गढ़ी तो बाहर आते हैं तो शहीद हो जाते हैं। उस तो बाद फिर अगले पांच सिंह कलगीधर पातशाह जी के सामने अपने प्राणा नूं पेश करते हैं। कलगीधर पातशाह जी के कोलों इजाजत मंगी जाती है, आख्या जाता है पातशाह जी सानू इजाजत दिओ, असी भी अपने भरावां दे नाल मैदाने जंग दे विच जाके शहीद हो सकीए, असी भी अपने भरावां दे नाल मैदाने जंग विच जाके शहादत का जाम पी सकी। ये उन्हां दा प्यार सी अपने भरावां दे नाल, ये उन्हां दा स्नेह सी अपने भरावां दे नाल। ते इस सारे बिरतांत नूं कवि अल्लाह यार खां जोगी ने जदों अपने शब्दां दे विच बयान कीता ते कहिंदा लाखों को कतल करके प्यारे गुजर गए। उस चमकौर की गढ़ी तो बाहर जदों सिख पांच पांच सिंघां दे जथे बना के आते हैं, भाई मदन सिंह जी, भाई कोठा सिंह जी दरवाजे ते खलोते हुए ने। पांच सिंघां दा जथा गढ़ी दे विचों निकलदा, दरवाजा खोलिया जाता है। उस तो बाद फिर उस कच्ची गढ़ी का दरवाजा भाई मदन सिंह ते भाई कोठा सिंह जी बंद कर देंदे ने। ते भाई अल्लाह यार खां जोगी इस समुचे बिरतांत नूं कहिंदा लाखों को कतल करके प्यारे गुजर गए, लखां नूं मौत दे घाट उतार के प्यारे गुजर गए, एक एक करके खालसे सारे गुजर गए, एक एक करके हर एक खालसा आपो अपने समय के मुताबिक मैदाने जंग विच शहीदी का जाम पींदा रहा। अगे कहिंदा सदा फना के घाट उतारे गुजर गए, जिहड़े मौत नूं गल लाउण वास्ते उस चमकौर की गढ़ी के विचों निकले सन, एक एक करके सारिया ने शहीदी का जाम पी लिया। कहिंदा भुसमें लगा के आग शरारे गुजर गए, तो जदों उन्हां दी शहीदी उस चमकौर की गढ़ी के अस्थान से होंगी है, कभी अल्लाह यार बस्तर जेड़े ने कंडिया के नाल शरीर भी बिन्या होया, खून के नाल कपड़े लथपथ होए पए ने। भाई गनी खां नबी खां दोवें बड़े वड्डे गुरु के सिख सन, धर्म भावें इन्हां दा इस्लाम सी है सन भावें मुसलमान, पर गुरु घर दे विच अपार श्रद्धा रखते सन। जदों साध संगत तुसी गुरु के सिखां दा ऐसा इतिहास पढ़ोगे ना, पीर बुद्धू शाह बड़ा वड्डा श्रद्धालु सी गुरु घर दा। पीर बुद्धू शाह ने औरंगजेब की फौज के विचों कढ़े हुए 500 पठान गुरु साहब की फौज में भर्ती किए सन। बेनती की सी महाराज भुखे मर जाएंगे, इन्हां दे कोल खाण वास्ते कुछ नहीं, इन्हां दा परिवार पिछे बिलक रहा है, जे तुसीं इन्हां नूं अपनी फौज में भर्ती कर लो तो महीने दे महीने तनखाह दे जाओ तो अपने परिवार का गुजारा कर लैणगे। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने वह कढ़े हुए 500 पठान अपनी फौज में भर्ती कर लै, जिन्हों भंगाणी का जंग होया 500 दे 500 पठान गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी नूं पिठ विखा के ते भज गए। पीर बुद्धू शाह इस गल ते बड़ा शर्मिंदा होया। पीर बुद्धू शाह ने अपने मन विच सोचिया गुरु घर दे नाल बहुत वड्डा इन्हां पठाणा ने द्रोह कीता है। इतिहास मुताबक पीर बुद्धू शाह दे पंज पुत्तर सन, पंजे पुत्तर लैके भंगाणी दे जंग विच आउंदा है ते तीन पुत्तर पीर बुद्धू शाह दे भंगाणी दी जंग दे विच शहीदी दा जाम पी जांदे ने। कित्थों देण देवांगे असीं इन्हां गुरु के सिखां दा, साडा किसे धर्म दे नाल वैर नहीं। मैं अज फिर बेनती करदे साडा किसे धर्म दे नाल वैर नहीं। तुसीं इह सोचो कि उदों मुगलां ने साडे ते जुल्म कीता सी ते सिक्खी इस्लाम दी कट्टड़ विरोधी है, साडा किसे दा धर्म दे नाल कोई वैर नहीं। अज तों पिछे जे किसानी अंदोलन चलिया ते उते सिंघू बार्डर ते मुसलमान वीरां ने लंगर लाया सी ते फेसबुक दे उपर तरह तरह दीआं टिप्पणियां कीतीआं जा रहीआं सन भी कदी इन्हां दे वड्डे वडेरिआं ने सिखां दे गुरुआं नूं मारिआ, इह बोल सन उन्हां दे, कदी इन्हां दे वडेरिआं ने सिखां दे गुरुआं नूं मारिआ ते अज सिख इन्हां दे हत्थों बिरयानी खा रहे ने, चौल खा रहे ने। इह शब्द उन्हां टिप्पणियां, इह नफरत भरीआं टिप्पणियां इंटरनैट ते वायरल कीतीआं गईआं, इन्हां दे विच इक दूजे दे प्रति नफरत पैदा कीती जावे। पर उह जिहड़े साडे मलेरकोटले वाले वीर सन उह कहिंदे सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा चीजां दे नाल, असीं तां खुद कहिंदे आ वजीर खां गलत सी।
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੱਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਵੀ ਖਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਤੇ ਹਰੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਲਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਮੜੀ ਦੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਚੌਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਵੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਯੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਤਾਰੀਫ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ
ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਮਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਵਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਖੀਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਖੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਵਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਰਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਤਾਰੀਫ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਵੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਚਾਂਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਲਿਖੋ ਵਸਫ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੱਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਓ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੇਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੋਚੀ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਨਰ ਕੇ ਕੁੰਚਰ ਬੰਦਾ ਕੇ ਹਾਥੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕੌਰਵ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਛੱਡ
दी। नतीजा यह निकलिया पांडव जित गए ते जिते कादे नाल सी धोखे दे नाल, जिते कादे नाल सी फरेब दे नाल, दगा कीता सी उन्होंने द्रोणाचार्या दे नाल। हालांकि पहला गुरु रहा सी उन्हां दा। दुनिया के इतिहास विच जिहड़े बंदियां नूं मान ते सत्कार दिता गया सी ओह भी मैदाने जंग दे विच हाथ चों तलवार छड के ते लड़ाई हार जांदे ने। कैसा होएगा कलगियां वाला पातशाह जिन्हें दो पुत चमकौर की गढ़ी दे विच शहीद करवा के भी माछीवाड़े के जंगल विच टेंट दा सराहना ला के सुता होए। किड्डा वड्डा जिगरा होएगा उस कलगीधर पातशाह जी दा। इसे करके कवि अल्लाह यार खां जोगी कहिंदा ना, सतगुर के लिखो वसफ कहां ताबे रकम है। मेरी कलम दे विच इन्नी ताकत नहीं मैं गुरु दी सिफत नूं लिख सका, मैं गुरु दी सिफत नूं मान सका। अगे लिखदा कहिंदा, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, मेरी एक अख दे विच इन्नी ताकत नहीं मैं सारे समुंदर नूं वेख सका। समुंदर कौन है? कलगियां वाला धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज। कहिंदा मेरी अख च इन्नी ताकत नहीं मैं उन्हां दे जीवन नूं टो सका वेख सका। अगे फिर लिखदा कहिंदा, साहिल को साहिल कहिंदे ने दरियावां दे कंढे नूं, साहिल को जां मंझ तार को जां लहर को देखे। कहिंदा अख विच इन्नी की ताकत है जां अख कंढे नूं वेख सकदी है, जां अख दरिया नूं वेख सकदी है, ते जां अख दरिया दे विच चल रही लहर नूं वेख सकदी है। समुंदर किन्ना वड्डा है, अख दे विच इन्नी ताकत नहीं भी अख समुंदर नूं वेख सके। कलगियां वाला किन्ना वड्डा है, मेरे कोल मेरी कलम दे विच इन्नी ताकत नहीं मैं ओदी उस ताकत नूं बयान कर सका। इन्नी वड्डी ताकत है कलगियां वाले दी, इन्ना असीम जीरा है ओदा। दो पुत्र शहीद करवाए ने तां वी माछीवाड़े दे जंगल दे विच सुत्ता होया, उन्हां दे नाल उन्हां दे सिख शहीद होए ने तां वी बेपरवाही दे आलम दे विच विचर रिहा है। दो चीजां होंदियां ने, एक बेपरवाही होंदी है इक लापरवाही होंदी है, दोवां चीजां दे विच फर्क है। बेपरवाह हर एक बंदे नूं होना चाहिए है, पर लापरवाह किसी नूं नहीं होना चाहिए। कलगीधर पातशाह लापरवाह नहीं सन, लापरवाह होंदे ते चमकौर दी गढ़ी दे विचों बाहर ना आउंदे, उह बेपरवाह सन। इन्हां दोवां शब्दां नूं समझण दी लोड़ है। हर एक सिख नूं बेपरवाह होना चाहिए, कोई गल नहीं, हुक्म है, रजा है, उहदी भाणा है, उहदा सबर है, उहदा सिदक है, उहदा, पर लापरवाह किसी नूं नहीं होना चाहिए। लापरवाही बंदे दे जीवन दे विच औगण है ते बेपरवाही बंदे दे जीवन विच उहदा गुण है। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲਾਡਲੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੀ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਲਕਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਹੇਠ ਆਣ ਕੇ ਗੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਗੰਗੂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੰਗੂ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਰ ਗੰਗੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਬ ਕਸ਼ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲੱਗਤ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਅੱਜ ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੇੜੀ, ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੰਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੇੜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਖੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੇੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਖੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਹੇੜੀ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
गंगू दे नाल माता गुजर कौर दे साहिबजादे तुरे। अज दी रात उस गंगू पापी दे घर दे विच माता गुजर कौर दे साहिबजादे रात नूं ठहरदे ने। बड़ी टहल करदा है साहिबजादियां दी, आओ भगत कीती जांदी है। पर जदों अज दी अद्धी रात नूं गंगू पापी नूं इस गल दा पता लगा कि माता ते उहनां दे पोतरे दोवें सौ गए ने, मन दे विच लालच आया क्यों ना मैं ये जिहड़ियां मोहरां इहनां नूं चुक लवां, क्यों ना मैं इहनां मोहरां ते कब्जा कर लवां, मैं इहनां मोहरां नूं चुक के अपने घर परिवार नूं वधिया चला सकांगा। माता जी नूं गंगू दी इस नीयत दा पता लग गया। जदों रात नूं अद्धी रात नूं गंगू कमरे दे विच दाखल होया ते मोहरां चुक के लिजाउण लगा ते माता जी ने पुछिया, गंगू उदां ही मंगदा मैं तैनूं सारियां दे देणियां सी, चोरी करन दी की लोड़ पई। मोहरां कमरे दे विच रख के गंगू बड़ा शर्मिंदा होया, पर मन विच ईरखा दे नाल सड़िया पिया सी, बलिया पिया सी अंदरों। सोचिया हुण मैं माता होणा नूं लाहौर दे सूबे दे कोल, सरहंद दे सूबे दे कोल जिहड़ियां वी फौजां मेरे सामने आउणगियां मैं उहनां नूं दस देवांगा कि माता ते साहिबजादे मेरे घर विच ने। क्योंकि उहनां समयां दे विच जदों इह वक्त आया ना, इस गल दा ढिंडोरा सरकार ने सारे बन्ने फिरवा दिता सी कि कलगियां वाले पातशाह फड़े गए ने। पर जदों उहनां नूं पता लगा कि इह कलगियां वाले पातशाह नहीं, इह भाई संगत सिंह जी सन, ते निराशा दे आलम दे विच फिर रहे सन। सारे बन्ने उहनां दीआं फौजां बाहोदाही भज रहीआं सन, साडी बड़ी वड्डी नमोशी होई है। गंगू नूं लगा क्यों ना वड्डा इनाम हुण प्राप्त कीता जावे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी तां इहनां दे काबू विच नहीं आए, क्यों ना उन्हां दे बच्चियां नूं फड़ा के ते वड्डा इनाम प्राप्त कीता जावे। मन दे विच लालच आ गया, मन दे लालच ने अज दी रात गंगू पापी नूं रोपड़ दे नवाब दे कोल जाण वास्ते जिहड़ा है उह मजबूर कर दिता। अज दी रात साहिबजादे पिंड सहेड़ी दे विच, जिहदा पहला नाम इतिहास विच खेड़ी सी, पर उस तों बाद उस पिंड नूं सिख सहेड़ी कह के याद करदे ने, पुकारदे ने, क्योंकि सहेड़ी दा मतलब है जिहड़ी दुखां नूं सहेड़ना गिझी हो। अज दी रात साहिबजादे ते माता गुजर कौर गंगू पापी दे घर विच ठहरदे ने, ते कलगियां वाले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज माछीवाड़े दे जंगल दे विचों अपना जिहड़ा सफर है उह अगे वल नूं तय करदे ने। आओ जिथे असीं सारे ही सफरे शहादत दे इन्हां काफलियां दे नाल दिन ब दिन इतिहास दी लड़ी नूं जोड़न दा सांझा करन दा जतन कर रहे हां, उथे अपने मन नूं वी इन्हां चीज़ां नूं महसूस करन दा यतन करवाईए, अपने मन नूं भी साधन दा यतन करिए, ते असीं भी अपने विचों अपने धीआं पुत्तरां दे विचों साहिबजादियां दे उस रूप नूं वेखण दा यतन करिए। इन्हां ठंडियां रातां नूं जिथे असीं सारे ही अपने पिंडे ते हंडा रहे हां, उथे अपने बच्चियां दे विचों साहिबजादियां दे रूप नूं वेखण दा यतन करिए, क्योंकि जीवत कई हजार दे विच असीं सारे आउंदे हां। मैं बेनती वार वार इस करके कर रहा हां क्योंकि इह चीज़ साडे मन नूं असर कर सके, साडे मन ते इस चीज़ दा असर पै सके। असीं भी अपने बच्चों के साहबजादियों के उस रूप में वेखने का यतन करिए। माड़िया मोटिया जीवन के ऊणताइया ने बाहर कढ़ीए, खंडे बाटे की पौल लईए ते गुरु वाले बन लईए। गुरु वाले बनना साढ़े सारिया वास्ते बड़ा जरूरी है। गुरु वाले बन के गुरु नूं विखाइए कि जिन्हां की खातर तुसीं रात नूं इन्नियां कालणावां घालियां, ठंडिया रातों नूं अपने पिंडे ते हंडाया, अपने परिवार नूं खीरू खीरू करवाया, अपने दो पुत्र चमकौर की गढ़ी के शहीद करवा दिते, असीं भी तुहानूं तुहाडे कीते होए इस दान दा मुल मोड़ना चाहुंदे हां। दुनिया ते लोकां ने बड़े दान कीते होणगे, पर जिहड़ा दान पुत्तरां दा कलगीधर पातशाह जी ने कीता है, इस दान नाल दा दान अज तक दुनिया दे किसे बंदे दे हिस्से नहीं आया, नहीं कीता किसे ने इहो जिहा दान। इह केवल सेवा कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे हिस्से ही आई है। कवि ने बड़ियां प्यारियां पंक्तियां लिखियां ने, कहिंदा बड़े ही गरीब मापे दुनिया ते पए ने, कफनों बगैर दसो किहदे पुत गए ने। कहिंदा दुनिया ते गरीब तों गरीब मापे भी आए,
पर कफन तो बगैर किसी के पुत नहीं गए, सिर्फ कलगीधर पातशाह जी के सुपुत्र उन्हां दे साहिबजादे ही कफनों बगैर गए। भाई दया सिंह कहिंदा सी महाराज कफन दा पा दईए, पातशाह ने आख्या जे अज इन्हां ते शरीरां ते कफन पा दिते ते दुनिया के लोगों ने कहना कलगीधर पातशाह ने सिखां दे विच ते पुत्तां दे विच फर्क जाने। उन्हां दे वास्ते उहो जिहे उन्हां दे सिंघ सन ते उहो जिहे उन्हां दे सुपुत्र सन। आओ उन्हां दे सुपुत्र बन के असीं सारे ही विखाईए उन्हां नूं कि कलगीधर पातशाह जी असीं वी तुहाडे सुपुत्र हां, असीं वी तुहाडे हमराही बन के हम ख्याली बन के तुहाडे मुताबक अपने जीवन नूं जीणा है। असीं वी उन्हां वर्गे बन के खंडे बाटे दी पौल लै के गुरु वाले बन के कलगीधर पातशाह जी दे सामने दरबार दे विच पेश होईए। सो इतनियां क बेनतियां प्रवान होईआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा वडियाई गुरु दी कुटान कोट शुकराना धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दा जिन्हां दी हजूरी विच बैठ के असीं साहिबजादियां दे इस महान इतिहास नूं हर रोज साझा करन दा यतन कर रहे हां। आप सरबत संगत दा तहत लो धन्नवाद जिन्हां ने कीमती समें विचों समां कढ के गुरु दरबार विच हाजरियां भरियां ने। भुल्लां चुक्कां दी खिमा अंत विच बुलाओ फतेह गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।